अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट है जहां अब तक प्रत्याशियों का ऐलान तक नहीं हुआ, लेकिन दावेदारी जरूर हो रही है। अमेठी को लेकर राहुल गांधी पर बने सस्पेंस को खत्म करने के लिए सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अमेठी से चुनाव लड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो वहीं रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के भी संकेत उन्होंने दिए। ऐसे में माना जा रहा है कि सियासत में रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री की पूरी तैयारी हो चुकी है। राहुल गांधी की जगह रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से लॉन्च करने की तैयारी। दरअसल अमेठी में राहुल गांधी के पीछे हटने के बाद ही रॉबर्ट वाड्रा को आगे लाया गया है और रॉबर्ट वाड्रा ने भी अमेठी से ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। साथ ही रायबरेली से प्रियंका गांधी की तरफ से भी इशारा मिला है। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि अमेठी में दामाद और रायबरेली में सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका को मौका देने जा रही हैं? इस रिपोर्ट में देखिए विस्तार से पूरी जानकारी। अमेठी से मैं हूँ और प्रियंका रायबरेली से हैं। ये नहीं कह रहा अमेठी से मैं हूँ और प्रियंका रायबरेली से हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी, वहाँ जो उम्मीदवार होंगे, वहाँ के लोग जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। क्या सोनिया गांधी के दामाद की सियासत में एंट्री होने वाली है? क्या अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा? क्या रॉबर्ट वाड्रा के हाथों आएगी कांग्रेस की विरासत? वाड्रा अमेठी से तो रायबरेली से प्रियंका होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। यूपी में मेरी पैदाइशी मुरादाबाद से है और मैं यूपी में बहुत घूमा था, गांधी परिवार से संबंध रखने से भी पहले। उम्मीद करते हैं कि मैं वहाँ उनको एक सांसद बनूँ वहाँ से और वहाँ वो क्षेत्र चुनूँ अगर मैं राजनीति में आता हूँ। ये सवाल इत्तेफाकन नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो इशारा कर रहे हैं वो तो यही कहता है कि सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अब अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए क्या दलील और क्या पिच तैयार की है रॉबर्ट वाड्रा ने। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहां से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव सफल नहीं होंगे, स्मृति जी के सामने बहुत बहुत पीछे रह जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। रॉबर्ट वाड्रा जी अपना नाम अपने आप चला रहे हैं, ना कोई मांग रहा है ना बुला रहा है। मेरे ख्याल से तो रॉबर्ट वाड्रा जो है एक नए आदमी है, उनको लोग जानते भी नहीं है। अगर यही अमेठी में कांग्रेस के भविष्य का सच है तो सियासी उठापटक में अनुभवहीन रॉबर्ट वाड्रा के लिए ये नए करियर का आगाज होगा। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की सियासी तस्वीर आपको भी याद ही होगी, जब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की पारंपरिक सीट से ही राहुल गांधी को हरा दिया था। बात करें यूपी की अमेठी लोकसभा सीट की तो 1967 में अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। कांग्रेस का गढ़ रही है अमेठी लोकसभा सीट। 1971 से 2019 तक कांग्रेस 9 बार जीती। 1971 से 2019 तक बीजेपी ने सिर्फ 3 बार जीत दर्ज की। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। ऐसे में राहुल के मैदान छोड़ने पर अब वाड्रा कमान संभालने वाले हैं, जिस पर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी नाम लेकर अपनी राजनीति करना और ऐसा सोचना कि ये वंश ही उन्हें सब कुछ दिलाएगा, अब देश की जनता परिवारवाद से हाथ जोड़ बैठी है और लोकतंत्र के लिए परिवारवाद एक घातक है। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस और यूपी के समीकरणों की बात करें तो यूपी से कांग्रेस के हिस्से 17 सीटें आई, इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, जिनमें रायबरेली और अमेठी की सीट है।
तो क्या इन दो सीटों पर कांग्रेस की उलझन रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी को टिकट देने के बाद खत्म होगी? ये अब बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अमेठी से मैं हूँ और प्रियंका रायबरेली से हैं। और अब बात चुनावी रण में हुंकार भर रही बीजेपी की। सियासी मैदान में सुस्त पड़े विपक्ष की। इंडिया गठबंधन के लिए मुकाबला भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन इनसे अब तक चुनावी तैयारी पूरी हो नहीं पाई। और फिर जब चुनाव परिणाम मन मुताबिक न आए तो ठीकरा ईवीएम पर फूटने लगता है, वो कैसे इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। जहां एक तरफ सीएम योगी की एक दिन में तीन तीन चुनावी रैलियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर कंफ्यूज हैं। पीएम मोदी का 10 दिनों में दूसरी बार यूपी का दौरा होने वाला है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अब तक चुनाव प्रचार के लिए यूपी आए तक नहीं। जहां अमित शाह का पश्चिम से चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो वहीं सोनिया गांधी का नाम सिर्फ और सिर्फ स्टार प्रचारक की लिस्ट तक ही सीमित है। राजनाथ सिंह के गाजियाबाद में रैली हो चुकी है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की यूपी से दूरी आप भी महसूस कर सकते हैं। यानी एक तरफ बीजेपी की हुंकार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कब करेंगे प्रचार। देखिए ये रिपोर्ट। 15 दिन में पहले चरण की वोटिंग भी होनी है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से एक भी बड़ी चुनावी रैली नहीं हुई है। कहीं अखिलेश का इंतजार हो रहा है, तो कहीं राहुल की राह में लोग आंखें बिछाए बैठे हैं। तो वहीं एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह रैलियों की शुरुआत कर चुके हैं। विपक्ष के नजरिए से इस चुनाव को देखा जाए तो अभी तक प्रचार फीका है। अखिलेश यादव अभी उम्मीदवार तय करने में मसरूफ है। कई उम्मीदवार बदले गए, कुछ बदले जाने हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के स्टार प्रचारक दूसरी सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे या नहीं, अगर आएंगे तो कब आएंगे, ये भी तय नहीं हो पाया है। इनके रोज टिकटों में अदला बदली हो रही है। समाजवादी पार्टी की टिकट तो में 15 बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं, ये बड़ी 15-16 बार, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ऐसे में जब रणनीति ही कमजोर है तो परिणाम कैसा होगा स्वाभाविक रूप से समझा सकता है। फिर भी चुनाव है और चुनाव में की लड़ाई में क्या होगा ये वक्त बताएगा, पर कमजोरी तो दिखती है विपक्ष की, इसमें कोई दो राय। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी जनसभा और बड़ी रैली करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के जनमानस ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 15 करोड़ से ऊपर मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का अलख जगा दिया है। यानी बीजेपी की रणनीति के सामने विपक्ष अब भी कमजोर है। ना तो कोई मुद्दे तय हो पाए हैं, ना ही कोई एजेंडा, ना तो नीति है, ना ही कोई प्लानिंग, ना तो कोई चुनावी वादे हैं, ना ही जनता के लिए दावे। ऐसे में आखिर इंडिया गठबंधन बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगा, अब ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात कर लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को मिल रहे सियासी ऑफर की। ये तो तय है कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद संघमित्रा मौर्य दुखी हैं, परेशान हैं। चुनावी मंच पर वो भावुक भी हो चुकी हैं, भले ही इसके पीछे जो भी तर्क हो, लेकिन इस आंसू वाले जख्म पर मरहम समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाने की कोशिश हो रही है। शिवपाल यादव खुलकर स्वामी मौर्य के साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ पार्टी ज्वाइन कर लो। शिवपाल यादव ने कहा कि संघमित्रा मौर्य हमारी पार्टी में आ जाएं, समाजवादी पार्टी में उनका पूरा सम्मान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे तो संघमित्रा हमारे लिए काम कर ही रही हैं, लेकिन पार्टी में आकर संघमित्रा हमारी मदद कर सकती हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को समझाकर पार्टी में लेकर आए, जिससे समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी। दरअसल शिवपाल यादव का ये बयान टिकट नहीं मिलने के बाद संघमित्रा की आंखों से छलके आंसू के बाद आया है। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट देते हैं। बीजेपी से टिकट कटने के बाद मंच पर संघमित्रा मौर्य के आंसू छलक गए। वो इस झटके के दर्द को छिपा नहीं सकी और जनता के सामने बिना कुछ कहे आंसुओं से सियासी कहानी बयां कर दी। लेकिन जब आंसू पर सवाल खड़े हुए, रोने की वजह पूछी गई, तो रामचरितमानस का विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने राजा दशरथ के किस्से सुना दिए।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के पहले हम सभी लोग मंच पर बैठे हुए थे। प्रदेश सरकार की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी हमारे बगल में थी और वो एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और उस कहानी को सुनाते सुनाते एक भावुक पल आया, उसकी वजह से आंखों में आंसू आए और इसीलिए मैं वहाँ से हट गई क्योंकि मुझे पता था कि आंखों में आंसू देख के यहाँ पर कुछ और का मतलब कुछ और निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी वो वीडियो में कैद हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ की कहानी का भावुक क्षण था, बाकी कुछ नहीं। बात रामायण की नहीं, सियासी महाभारत की, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रहने के दौरान सनातन का विरोध करते थके नहीं, हिंदुत्व पर सवाल करते डिगे नहीं, जब उनकी बेटी का बीजेपी से टिकट कट गया तो मौका समाजवादी पार्टी को मिल गया और बागी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। देखिए, स्वामी प्रसाद जी बहुत बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करता हूँ और वो अपनी बेटी को समझाएं और समाजवादी पार्टी में लाएं और समाजवादी पार्टी की मदद कराएं। ऐसे में बड़ा सवाल है, शिवपाल का ऑफर कबूल करेंगी संघमित्रा? क्या बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल होंगी संघमित्रा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से एसपी ज्वाइन करेंगे? ये वो सवाल हैं जो शिवपाल यादव के बयान से उठने लगे, क्योंकि शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए कहा वो बड़े नेता हैं और उन पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी बेटी को जरूर समझाएंगे। भाजपा ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है, मैं तो उनसे कहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी में आए, सपोर्ट करें और शायद सपोर्ट कर भी रही हैं, तो वो आए और देखिए जनता का तो हमेशा, महिलाओं का तो हमेशा सम्मान होना चाहिए, लेकिन भाजपा हमेशा अपमानित करती है। देखिए, आए समाजवादी पार्टी में मदद करें। इस बात की पूरी गारंटी है कि स्वामी मौर्य और संघमित्रा मौर्य सियासत की नई राह तलाश रहे, क्योंकि इस परिवार के दोनों किरदार विवादों के बाजार में किसी से कम नहीं। स्वामी मौर्य पर सनातन के खिलाफ एजेंडे का आरोप है, संघमित्रा मौर्य पर शादी में धोखाधड़ी का आरोप है, स्वामी मौर्य पर अभद्र टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज है, संघमित्रा मौर्य पर धोखाधड़ी को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। स्वामी मौर्य विवाद के बाद सपा से बाहर हो चुके हैं तो बीजेपी से संघमित्रा मौर्य का टिकट कट चुका है। अब इसी मौर्य परिवार पर समाजवादी पार्टी फिर से डोरे डाल रही है और ऑफर शिवपाल यादव की तरफ से दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी के मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगी? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से अखिलेश के सामने घुटने टेक देंगे या फिर पल्लवी पटेल और ओवैसी के तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे? अब इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियां शामिल की गई हैं। ये गारंटियां अलग अलग वर्गों जैसे कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए तैयार की गई है। साथ ही कांग्रेस ने जनता से कई वादे भी किए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनने पर देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, साथ ही आरक्षण पर 50% कैप हटाने का वादा भी किया गया है। वहीं किसानों को कांग्रेस ने MSP की गारंटी दी है, साथ ही अल्पसंख्यकों को आसान ऋण की सुविधा की बात कही गई है। बुलडोजर न्याय को खत्म करने का वादा किया गया है। इसी पर आपको रिपोर्ट देता है। पहले चरण के चुनाव से ठीक 15 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बड़ी प्लानिंग के साथ तैयार किया है, जिसमें गारंटी है, दावे हैं, वादे हैं और महिला, किसान और नौजवान के लिए भरोसा है, जिसमें सीधा फोकस देश के सबसे कमजोर वर्ग पर है, जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। इसीलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5-5 गारंटियां हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय,
श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस की एक एक गारंटी के कई मतलब हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले युवा वोटर्स पर फोकस किया है और उनके लिए 5 गारंटियां जारी की हैं। उसके बाद किसानों पर फोकस करते हुए उनके लिए 5 गारंटियां दी हैं। फिर बारी महिला वोट बैंक की है। ऐसे में कांग्रेस ने नारी न्याय के जरिए 5 गारंटी दी है। साथ ही किसान, पिछड़ा वर्ग और श्रमिकों को भी ऐसी ही 5-5 गारंटियां दी है, जिस पर खुद पीएम मोदी ने निशाना साधा है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं, और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस हमेशा ये दावा करती है कि आजादी के बाद से ही देश के विकास में उसका योगदान रहा है। इस पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। चार पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई, और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने में पहली बाजी जरूर मार ली है, लेकिन 5 न्याय और 25 गारंटी को पूरा करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए को पहले 272 का आंकड़ा भी छूना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के 400 पार किनारे के सामने क्या ये संभव है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।